मैं नितिन विजय हूँ, मैं कोटा से आता हूँ और मैं CEO एंड फाउंडर हूँ मोशन एजुकेशन। सो आई स्टार्टेड टीचिंग द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, बट आई फेल्ट दैट स्टूडेंट स्टार्ट कनेक्टिंग विद मी, सो दैट इज द बिगेस्ट एसेट आई हैव। भारत जोड़ो यात्रा में परिवर्तन मेरे हिसाब से जो सोच राहुल गांधी जी की है, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से 1.5 घंटे उनके साथ संवाद करने का मौका मिला, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हम बोलते हैं, हमारे यहाँ कलेक्टर बोलते हैं, जबकि बाहर डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसर बोला जाता है। तो हमारी जो कलेक्टर वाली मेंटेलिटी है कि हम सिर्फ कलेक्ट करने के लिए बने हुए हैं, हमारी बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी है, बहुत सारी चीज़ें, हमें उसे प्रोड्यूसर मेंटेलिटी में लाना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग विच ही स्पोक टू मी। अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम अनार उगाते हैं, क्या अनार की प्रोडक्शन बढ़ रही है, हाँ या ना? और अगर बढ़ रही है तो अगर 4 पॉइंट डिस्ट्रिक्ट पास एक दूसरे के पास पास है तो इसकी सबसे ज्यादा बढ़ रही है, उसकी बढ़ रही है, उसकी बढ़ रही है, उसका प्रमोशन होगा, वो डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसर हो गया। तो इंडिया हैज टू गो फ्रॉम कलेक्शन मेंटेलिटी टू प्रोडक्शन मेंटेलिटी। What are all your kids saying today? All those kids who came, they are saying we want to be collectors. तो मालूम ही नहीं कि हमें collector बनाया जा रहा है। Actually वो producer बनना चाहते हैं, but उनको उनको production के बारे में बताया नहीं जाता। उनको बताया जाता है कि तुम्हें पांच रास्ते collection करने हैं। सबसे बड़ा IAS, दूसरा IIT doctor, तीसरा engineer, job ये है। अब इनमें से आप और होगा क्या? 5 लाख लोग इसकी कोशिश करेंगे, राइट? और बनेंगे इसमें से 5 लाख। मगर अगर आपका प्रोडक्शन सिस्टम होता तो 5 लाख एम्प्लॉयमेंट सब एम्प्लॉयमेंट पैदा करते सब। एक अच्छी बात उन्होंने बोली कि वो ट्रैकिंग पे जब जाया करते थे अपने कजन्स के साथ जब वो छोटे थे, तो कभी कभी मजाक में वो एक दूसरे के बैग में 1-1, 2-2 किलो के पत्थर रख देते थे। तो जब वो 1-2 किलो के पत्थर रख देते तो उन्हें पता नहीं पड़ता था कभी कभी, तो 5 किलोमीटर बाद थक जाते थे, जिसको पता नहीं होता था। बात जो मैं रिलेट करना चाहता हूँ उस कहानी से रिलेट ये है कि कई बार हम किस परिवेश से आते हैं वो हमारे लिए पत्थर का काम करना करने लगता है, और हम ये नहीं सोच पाते कि हम वास्तविकता में जिस ऊंचाइयों को दूसरे छू रहे हम उसको छू सकते हैं। बहुत सारे आजू बाजू लोग होते हैं जो कहते हैं आप नहीं कर सकते, आपका तो मैं पहली बार कोचिंग में गया तो मुझे फॉर्म ही नहीं मिला क्योंकि मेरी परसेंटेज कम थी। सो वी हैव अ मेंटेलिटी कि यार जिस बच्चे की परसेंटेज कम आई वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो सकता, बट मैं वो एग्जाम्पल था नहीं, मैंने उस बैरियर को तोड़ा। तो मेरे हिसाब से उस मानसिकता से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, और मेरा भी हमेशा से प्रयास रहता है कि जो भी विद्यार्थी मेरे संरक्षण में आ रहे हैं या मेरे संस्थान के संरक्षण में आ रहे हैं या जो भी मुझसे मिल रहे हैं, मैं उनको बोल सकूँ कि आपकी प्रीवियस अपन बोल सकते हैं फेलियर्स विल नॉट डिटरमाइन योर डेस्टिनेशन, सो दैट इज वॉट दे हैव टू फील। आपकी 10th में क्या परसेंटेज है, आपका 12th में क्या परसेंटेज है, आप उससे आगे कितने सक्सेसफुल होंगे, मेरे हिसाब से ये बात तय नहीं करती। उसके बाद ये बात हुई कि एडुकेशन को कैसे हम बदलेंगे। व्यक्तिगत रूप से जो मैं एडुकेशन को मानता हूँ वो हमें ये करना चाहिए कि एडुकेशन को हमें कंपेयर करना चाहिए हेल्थ केयर के साथ। अभी हम एक ही तरह का मटेरियल, एक ही तरह का मसाला अगर हमारे शब्दों में बोलें तो हर बच्चे को दे रहे हैं, जैसे हर पेशेंट की बीमारी अलग अलग होती है वैसे ही हर बच्चे की एडुकेशन में वीकनेस अलग अलग होती है, उसके हिसाब से उसके लिए सॉल्यूशंस होने चाहिए। मेरे हिसाब से एडुकेशन सेक्टर को उस पर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो बहुत अच्छा संवाद रहा, और मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छी यात्रा है जो एक अच्छी प्रोडक्शन की तरफ ले जाएगी, देश को उत्साह की तरफ ले जाएगी।